देखिए बॉयज एंड गर्ल्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज हम लोग का दूसरा क्लास है पहला चैप्टर का, पहला चैप्टर का दूसरा क्लास अथवा लास्ट क्लास आप कह सकते हो, मतलब ये लास्ट क्लास हम लोग कर रहे हैं, ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। देखिए तो एक बार शॉर्ट में रिकैप कर दे रहे उन मासूम बच्चों के लिए जो लोग लास्ट क्लास में नहीं आए थे, तो आप पूरा चैप्टर को कनेक्ट कर पाएंगे, चैप्टर को समझ पाएंगे, बात समझे। वैसे हम ये वीडियो भी ग्रुप में भेज दिए थे आप लोगों को, ठीक है, नहीं भेजे थे आप लोग, देखिए ना, अच्छा ठीक है, फिर से भेज देंगे, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आज फिर भेज देंगे वीडियो। तो बॉयज एंड गर्ल्स सबसे पहले तो आप एक बार रिकैप करा देते हैं आपको कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। तो आपको मैंने पढ़ाया था इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिसोर्सेस एंड द वांट्स, रिसोर्स लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, और इन दिनों दोनों के बीच में जो गैपिंग है, जो फासला है, जो डिफरेंस है, उसको कौन दूर करता है? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप क्या पढ़ते हो, हाउ टू यूज, हाउ टू लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्स को कैसे यूज करोगे अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, ये आप कहाँ पढ़ते हो? इकोनॉमिक्स। कहाँ पढ़ते हो? इकोनॉमिक्स। कहाँ पढ़ते हो? इकोनॉमिक्स। कहाँ पढ़ते हो? इकोनॉमिक्स। अब देखिए अगला पॉइंट में चलते हैं, उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको उस दिन पढ़ाए थे, आज थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं ये चीज़। उसके बाद मैंने पढ़ाया था माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स, एकदम डीप मीनिंग आपको खाली बताते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या पढ़ाए थे कि एक ऐसा ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। इंडिविजुअल क्या बाबू? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब एक आदमी कैसे बिहेव करे, इंडिविजुअल बिहेवियर, इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। राहुल गरीब है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। राजू गरीब है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। पुष्पा गरीब है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरा इंडिया गरीब है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। डिफरेंस समझिए, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पूरा कंट्री के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि हम लोग का देश कैसे बिहेव कर रहा है या फिर करेगा। उसके बाद ये आपको पढ़ाए थे, अब इसमें वही बात को डिटेल में लिखा गया है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है भाई? तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें दो कॉन्सेप्ट का फर्क है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलता है व्हाट समथिंग इज, कोई चीज है, क्या है, क्यों है, किस लिए है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलता है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलता है क्या चीज होना चाहिए, होना चाहिए, तो कोई चीज कैसे होना चाहिए ये कौन बताता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या चीज है ये कौन बताता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्चुअल फैक्ट में डील करता है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सजेशन में डील करता है। किसमें डील करता है बाबू? सजेशन। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? उसके बाद आ जाओ, ये पॉइंट था, यही आपको डिटेल में पढ़ाए थे उस दिन। अब यहां से आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए रेडी। सबसे पहले बाबू स्केयरसिटी, यहां से आज का टॉपिक हम लोग का स्टार्ट हो, ज्यादा टॉपिक है, निकल आराम से, बहुत कंफर्टेबली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज। तो बोला है स्केयरसिटी क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको उस दिन भी बताया था स्केयरसिटी का मतलब होता है कमी। स्केयरसिटी का मतलब क्या होता है अबू? कमी। स्केयर्स जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है लिमिटेड। तो मैंने आपको क्या बताया था उस दिन? रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट आर वांट्स आर अनलिमिटेड। रिसोर्स क्या होता है बोलो? वांट्स क्या होता है? अनलिमिटेड। बात समझे ना? जब आप जैसे मान लीजिए पापा आपको छोटा सा फ़ोन देते, तो आपका मन में क्या इच्छा होता है कि एक तो बड़ा फ़ोन खरीद देते। देखो इंसान का खराबी क्या है कि अनलेस और अंटिल योर डिजायर इज फुलफिल्ड, जब तक आपका डिजायर फुलफिल नहीं होता है तो इंसान का अंदर क्या है ना, इंसान लालची होता है, चाहे वो आप हो, हम हो, कोई भी आदमी हो। इसी लालचीपन को ना, या लालचीपन नहीं बोल करके इकोनॉमिक्स में हम लोग बोलते हैं क्या? इकोनॉमिक्स में हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड वॉन्ट्स। लालची नहीं बोल करके हम लोग क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड वॉन्ट्स। बट एक्चुअली हम लोग लालची है कि हम लोग क्या बाबू? लालची। आप लोग क्या हो? लालची। हम लोग क्या है? लालची। लालची स्वभाव का है, बात समझे ना? कोई जैसे आप लोग, सबसे अच्छा एक लाइन बहुत पॉपुलर है इंडिया में, जैसे आप लोग ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जैसे गाँव में जाइएगा तो जब आदमी स्लीपर में ट्रैवलिंग करता है ना, तो अचानक से देखिएगा एक तो आदमी आता है वो थोड़ा घसकिएगा, तो आप हल्का सा उसको बैठने दे दिए, बोले भाई आदमी है, प्रॉब्लम हो रहा, चलो बैठ के चला जाएगा। बैठने दिए तो फिर बोले थोड़ा और घसकिए, फिर थोड़ा, फिर बोले और घसकिए, बाद में देखिएगा आप बैठ के जा रहे हैं और वो सो के जा रहे। तो ये क्या है बताइए? ये अनलिमिटेड वांट्स का ही एग्जांपल है, इंसान का इच्छा कभी पूरा नहीं होगा। और उसके बाद अगर आप बोलिएगा तो आप ही को एटीट्यूड देगा, जबकि सीट आपका ही था। तो सीन यही होता है, क्यों ऐसा क्यों होता है बताइए? क्योंकि हम लोग का वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। लेकिन हम लोग के पास रिसोर्स क्या है? वांट्स, रिसोर्स, वांट्स, रिसोर्स।
तो वी हैव लिमिटेड रिसोर्स एंड द अनलिमिटेड वांट्स एंड इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ स्टडी विच टीच अस हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स लिमिटेड रिसोर्स को कैसे यूज करेंगे जिससे अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई हो जाएगा ये कौन सिखाता है इकोनॉमिक्स कौन सिखाता है इकोनॉमिक्स कौन सिखाता है इकोनॉमिक्स कौन सिखाता है इकोनॉमिक्स बस खाली थ्योरी सब्जेक्ट डाल दिया था माइक्रो इकोनॉमिक्स एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बाप रे खाली थ्योरी माय गॉड पढ़ के पगला हो जाओगे देखो खाली पढ़ते रहो घर में बट ये ना आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा आप अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे और लिखोगे एग्जाम दोगे तो आपका इंग्लिश पे बहुत अच्छा कंट्रोल आएगा क्योंकि पहले एमसीक्यू होने से ना इंग्लिश बहुत वीक हो जाता था बच्चों लोगों का क्योंकि आप लिखते ही नहीं थे खाली सुन लिए पढ़ाई कंप्लीट हो गया ये चीज़ है समझे इसीलिए अच्छा है लिखने का हैबिट बनेगा आप लोगों का तो जो लोग आप लोग में जो लोग यूपीएससी दोगे भविष्य में आप लोगों को फायदा होगा नहीं ऐसा नहीं कोई तो होगा जो सपना बना के रखा होगा देखिए क्या है स्कैर्सिटी इज अ सिचुएशन अच्छा देखिए इकोनॉमिक्स में दो वर्ड है एक होता है इकोनॉमिक गुड्स एक होता है नॉन इकोनॉमिक गुड्स पूरा एकदम गहराई में समझा दे रहे आपको एक होता है इकोनॉमिक गुड्स और एक क्या होता है वो नॉन इकोनॉमिक गुड्स तो इकोनॉमिक गुड्स वो होता है ना इकोनॉमिक गुड्स वो होता है जो स्केयर्स है स्केयर्स मतलब कम इकोनॉमिक्स में गुड्स उसी को माना गया जो कम है और जो कम होता है उसी का वैल्यू होता है याद रखिएगा प्राइस किसका हम लोग जो भी चीज़ खरीदते हैं बाजार में कौन सा चीज़ खरीदते हैं बताइए हम लोग हर वो चीज़ बाजार में खरीदते हैं जो चीज़ मार्केट में कम है आप देखिए मेरे बात को मिलाना कि देखो कि हाँ ये बात ठीक बोले भैया हम लोग हर चीज़ खरीद रहे जिसका दाम मार्केट में क्या बाबू कम जो चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा है वो हम लोग खरीद नहीं रहे हम लोग मार्केट में कौन सा चीज़ खरीद रहे हम लोग वही चीज़ खरीदते हैं बाजार में जो चीज़ क्या होता है कम और इसका मतलब वी ओनली बाय दोज प्रोडक्ट विच आर स्केयर्स एंड देयर आर वैल्यूज ओनली टू द स्केयर्स प्रोडक्ट प्राइस उसी का होता है जो कम होता है जो ज़्यादा होगा उसका कोई वैल्यू नहीं होगा आप इसको अपना ज़िंदगी में डाल के देखिए आपका ज़िंदगी में भी ऐसे ही आप सपोज किसी से दिन भर बात करते हो दिन रात बात करते हो खूब मैसेज करते हो आपका उसकी नज़रों में कोई इज्जत नहीं वो अपने दोस्तों को क्या बोलेगा देख ये लड़का मेरे पीछे दीवाना है या ये लड़की मेरे पीछे दीवाना है दिन भर हमको मैसेज करती रहती है जब मैसेज करेंगे तब रिप्लाई दे देगी हेबली है एकदम आपका इज्जत नहीं है उसके नज़रों में वही अगर आप कभी कभार मैसेज करते हो तो सामने वाला बैठ के आपके मैसेज का इंतजार करता है कि मेरा बाबू मैसेज करेगा अचानक से मैसेज आ गया सरप्राइज क्या बाबू सरप्राइज कितना बड़ा चीज़ है सोच के देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ सेम चीज़ यहाँ भी होता है और इसीलिए क्या होता है ना आप देखोगे नया नया जो निब्बा निब्बी के लोगों का प्यार शुरू होता है तो नया नया जब लोग बात करना स्टार्ट करते हैं तो लोगों का खूब बॉन्डिंग होता है वैसे लेकिन देखोगे जल्दी ही एक महीना दो महीना ब्रेकअप हो जाता है क्यों क्योंकि वो पूरा अपना पूरा रिसोर्स उसमें इन्वेस्ट कर दिया आपके पास जो भी रिसोर्स था आप पूरा दे दिए अब अगर सारा रिसोर्स आप एक व्यक्ति के पीछे इन्वेस्ट कर दीजिएगा तो रिसोर्स तो स्केर्स ही नहीं रहेगा आपको ये फील कराना पड़ेगा कि रिसोर्स स्केर्स है पानी का इज्जत है कि नहीं है पानी का इज्जत उस एरिया में बहुत ज़्यादा है जहाँ पे पानी नहीं है लेकिन पानी का इज्जत उस एरिया में नहीं है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे तो इज्जत नहीं है जहाँ पानी नहीं है वहाँ पे लोग पानी के लिए तड़पते हैं अगर एक बूंद बरसात हो जाए तो बाप रे बाप मेरा यार हंसरा बारिश कीजिए मेरा यार हंसरा बारिश कीजिए तो उन लोग के लिए बारिश समय रहे कैसे एक वरदान की तरह है एक ब्लेसिंग की तरह है जस्ट लाइक अ ब्लेसिंग यहाँ पर भी वही चीज़ बोला गया है कि आपका स्केयरसिटी ही इकोनॉमिक गुड्स को जन्म देता है स्केयरसिटी मतलब कमी अगर कमी नहीं होता ना तो ज़िंदगी में वैल्यू नहीं होता तो लोग उन्हीं चीज़ों का वैल्यू करते हैं जो चीज़ क्या होता है वो कम जैसे कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेने जा रहे हो कॉलेज क्या है कम कॉलेज तो बहुत है लेकिन आप लोग स्टूडेंट की संख्या के हिसाब से बहुत कम है आप सोचिए अराउंड 172 कॉलेज है 172 नहीं 70-72 कॉलेज है कैलकाटा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट कितना है लाखों लाखों स्टूडेंट है जो लोग एडमिशन के लिए तड़प रहे तो क्या कॉलेज सबको एडमिशन दे देगा नहीं पहले क्या करेगा अच्छा स्टूडेंट लोग का एडमिशन लेगा वो लोग के हिसाब से फिर उसके बाद जिनका थोड़ा कम मार्क्स है उन लोग का एडमिशन लेगा तो रिसोर्स लिमिटेड है इसीलिए इतना परेशानी होना पड़ा अगर रिसोर्स अनलिमिटेड होता हर गली गली में कॉलेज होता अब याद करिए अपना स्कूल टाइम स्कूल में आप लोग को एडमिशन में इतना दिक्कत नहीं हुआ था आज रिजल्ट निकला अगला दिन एडमिशन कहीं भी प्राइवेट सरकारी जहां आपको लेना था ले लिए आज रिजल्ट निकला कल जाके फॉर्म भरा परसों एडमिशन हो गया कॉलेज में ऐसा नहीं है आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस व्हाई बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड यहाँ पे रिसोर्स कम है तो आदमी वैल्यू उन चीज़ों का ही करता है अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ क्या होता है वो कम जो चीज़ ज़्यादा हो जाएगा उसका वैल्यू नहीं रहे अब देखो ना जब तक आप किसी को मैसेज नहीं करते हो या कभी कभी उसको मैसेज करते हो वो आपसे बात करने के लिए तड़पता है तरसता है आपका इंतज़ार करता है लेकिन जब आप खूब मैसेज करने लगते हो उसको खूब इंपॉर्टेंस देने लगते हो तो फिर आप उससे उसके नज़रों में वैल्यू लेस हो जाते हो इसीलिए रिसोर्सेस क्या है बाबू कम इसको बोलते हैं स्केयरसिटी का कॉन्सेप्ट किसका कॉन्सेप्ट बाबू स्केयरसिटी स्केयरसिटी मतलब कमी और कमी होता है इस कारण से ही उसका प्राइस होता है अगर ज़्यादा होता तो वो फ्री होता हवा की तरह
हवा फ्री है, हवा क्या है फ्री, लेकिन वो इंसान जिसके पास, जिसको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रहा, वो इंसान जिसको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रहा उसके लिए ऑक्सीजन फ्री नहीं, 20,000 रुपया 25,000 रुपये दे के ऑक्सीजन उसको देना पड़ता है। बोलो हाँ कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्केसिटी इज द सिचुएशन इन विच अवेलेबल रिसोर्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन आर फाइनाइट, फाइनाइट मतलब कम, लिमिटेड, वेयर एज वॉन्ट्स आर इनफाइनाइट, वॉन्ट्स क्या है इनफाइनाइट, एक शाही इंसान की कभी खत्म नहीं होती, एक जरूरत पूरा होता है दूसरा जरूरत के लिए इंसान चला जाता है, वन डिजायर इज फुलफिल्ड अनदर डिजायर क्रॉप्स अप, एक डिजायर खत्म होगा ना आपका, जो जिंदगी का जो डिजायर होता है ना इंसान का, वो मोबाइल के नोटिफिकेशन की तरह होता है, जैसा आप एक आदमी का रिप्लाई देकर के आप सोचोगे चलो अब रिलैक्स आके बैठते हैं, तुरंत देखिए कोई दूसरा आदमी मैसेज कर दिए, फिर दूसरा मैसेज आपका स्क्रीन पे पॉपअप कर रहा, फिर दूसरा मैसेज किया, फिर एक को दूसरा को ब्लॉक किया गया, तीसरा बेटा मैसेज कर दिया, तीसरा को ब्लॉक कर दिया, चौथा पॉपअप नोटिफिकेशन आ गया। इंसान का डिजायर भी ऐसा होता है, वन डिजायर इज फुलफिल्ड अनदर डिजायर कम्स अप, एक डिजायर पूरा होगा दूसरा डिजायर आ जाएगा, क्योंकि इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, याद रखोगे। दे आर नॉट इनफ रिसोर्स टू प्रोड्यूस एवरीथिंग वी नीड एंड वॉन्ट, यहाँ पर वो रिसोर्सेज नहीं है जो हम लोग को चाहिए, जो हम लोग को चाहिए वो रिसोर्सेज हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है। चाहत तो बहुत कुछ है, क्या हर वो चीज़ मिल जाता है, कितना टाइम दोगे बाबू को, मैसेज मत करो। द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट अराइज बिकॉज पीपल हैव अनलिमिटेड वॉन्ट्स बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और इंडिया का किसी भी दुनिया में जो भी प्रॉब्लम है उसका मेन जड़ कौन है, यही है, रिसोर्सेज लिमिटेड वॉन्ट्स अनलिमिटेड, यही एक झमेला का विषय है। आप खुद सोचो ना, आप एक ड्रेस खरीदने के लिए गए, आपके पास 500 रुपया है, इफ यू आर कैरिंग ओनली 500 रुपीज, देन यू हैव टू थिंक कि हम कौन सा ड्रेस ले कौन सा ड्रेस नहीं ले। लेकिन सपोज करो ना आपके पास 1,00,000 रुपया है, तो आपको उतना सोचना ही नहीं पड़ेगा, फिर 1,00,000 रुपया आपके पास होगा तो आपका डिजायर भी 1,00,000 के हिसाब से ही होगा। ये भी बात समझिए, देखिए आदमी बोलता है ना कि जैसे कोई आदमी 50,000 कमाता है महीना, तो वो आदमी क्या सोचता है कि 10,000 जो कमाता होगा उसका घर कैसे चलता है, जो आदमी 10,000 कमाता है वो सोचता है जो आदमी 5,000 कमाता है उसका घर कैसे चलता हो, जो आदमी 5,000 कमाता है वो सोचता है 2,000 कमाने वाला का घर कैसे चलता है, और घर सबका चलता है अपना अपना हिसाब से, क्योंकि आपका घर में जैसा इनकम होगा उसके हिसाब से आपका खर्चा होगा, बस समझे। आदमी अपना खर्चा को मोल्ड कर देता है, एडजस्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू द इनकम, ज़्यादा कमाई होगा ज़्यादा खर्चा करेंगे, कम कमाई होगा कम खर्चा करेंगे, नहीं कमाई होगा तो सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ रोटी कपड़ा मकान हवा दवा शिक्षा इसमें खर्चा करेंगे, सेविंग्स नहीं होगा और क्या होगा, बात समझे ना। तो जैसा इनकम होता है वैसे लोग खर्चा करते हैं, तो रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन वॉन्ट्स क्या है अनलिमिटेड, और इसीलिए पूरा दुनिया में 3 प्रॉब्लम है, मैंने आपको उस दिन जाते जाते पढ़ाया था, 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्या बनाओगे कैसे बनाओगे और किसके लिए बनाओगे। व्हाई वी हैव टू थिंक अबाउट दीज 3 क्वेश्चंस, बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है हम लोग का देश में या किसी भी कंट्री में, क्योंकि रिसोर्स क्या है लिमिटेड। आप सोचोगे ना सर किसी भी कंट्री में अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं, रिसोर्स लिमिटेड ही होता है, रिसोर्स अगर अनलिमिटेड हो जाएगा तो फिर उसका इज्जत नहीं होगा। जैसे आपको बोले तो हवा, हवा का इज्जत अभी भी लोग नहीं करते, सोचो ये 2-2 AC लगा करके 4-4, 5-5 रुपये इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम लोगों को लग रहा, ये जो ऊपर से ये एयर बहुत हार्मफुल एयर है, एसी का जो हवा है ना बहुत हार्मफुल, अगर आप ज़्यादा देर एसी में रह जाओगे तो भी बीमारी आपको हो जाएगी, फिर भी हम लोग रहते हैं, मतलब एसी का हवा खरीद रहे हैं ना, हवा क्यों तो खरीद रहे हैं हम लोग बताइए, वही आप बाहर में जाइए नेचुरल हवा। आप देखो कोलकाता में जैसे आप लोग हो तो कोलकाता के इन्वायरमेंट में एक अलग हवा है, वही अगर आप गाँव में जाएंगे विलेज में जाएंगे रूरल एरिया में जाएंगे सोनारपुर की तरफ आप चले जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ का हवा में एक अलग ताजगी, यहाँ पर पॉल्यूटेड एयर बस वहाँ पर क्लीन एयर है, तो वहाँ का एक इन्वायरमेंट एकदम अलग है। जहाँ पर जो लोग देश ग्राम में रहते हो, जिन लोग का घर देश ग्राम तरफ है, आप लोग देखोगे एकदम साफ सुथरा हवा है, सुंदर सुंदर हवा है, तो एक फैक्ट डिफरेंस तो हो जाता है। लेकिन हवा बहुत ज़्यादा है इसलिए हवा में का वैल्यू हम लोग नहीं करते, लेकिन आपको बोले तो हवा का भी वैल्यू एक दिन हो जाएगा। जैसे कोविड सेकेंड टाइम आया था तो उस टाइम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ गया। सोचिए कोई आदमी कभी सोचा भी नहीं था कि ऑक्सीजन इतना ज़्यादा महंगा हो जाए। तो माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा रिसोर्सेज बार बार घूर फिर के वही चीज़ पर चल जा रही है, पूरा चैप्टर उसी के ऊपर, रिसोर्सेज क्या है अवॉन्ट्स क्या है अनलिमिटेड। चलिए, स्केयरसिटी इज वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इट मीन्स दैट द डिमांड फॉर गुड्स और सर्विस इज ग्रेटर देन द रिसोर्स। स्केयरसिटी ज़्यादा है इंडिया में, इसका मतलब क्या होता है कि डिमांड हम लोग का ज़्यादा है और सप्लाई क्या है कम। Therefore, scarcity can limit the choice available to consumer who ultimately make up the economy. और scarcity के कारण ही आपको करना पड़ता है choice. क्या करना पड़ता है choice? अभी आपको एक concept पढ़ाएंगे उसका नाम है opportunity cost. तो opportunity cost क्यों करना पड़ता है?
तो वो भी स्केर्सिटी के कारण हमें को चॉइस करना ही क्यों पड़ता है. व्हाई यू हैव टू चूज, यू हैव टू चूज बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड. इंडिया का लॉ में लिखा हुआ है, इंडिया का लॉ में पॉलीगैमी अलाउड नहीं है. पॉलीगैमी का मतलब होता है मल्टीपल मैरिज यू कैन डू इन इंडिया. आप इंडिया में मल्टीपल मैरिज नहीं कर सकते. वही अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब अमेरिका, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब अमेरिका, अमेरिका में अगर आप जाइएगा तो अमेरिका में अलाउड, अमेरिका में मल्टीपल मैरिज अलाउड है. वहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग, जो करना आप कर सकते हो हमारे में. तो इंडिया में हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरा एक्स गर्लफ्रेंड वन, आप लोग बोलते हो ना ये मेरा एक्स गर्लफ्रेंड टू, ये मेरा एक्स गर्लफ्रेंड थ्री. वहाँ पे एक्स गर्लफ्रेंड नहीं बोलते, बोलते एक्स वाइफ वन, एक्स वाइफ टू. वहाँ पे डायरेक्ट बेटा शादी कर लेता है और डायरेक्ट शादी करके छोड़ भी देता है. एक्स वाइफ वन, एक्स वाइफ टू, एक्स क्या है, वो लोग का अनलिमिटेड रिसोर्स, हम लोग का लिमिटेड रिसोर्स, हम लोग का रिसोर्स क्या लिमिटेड, हम लोग देश में लिमिटेड. तो इंडिया में क्या है चॉइस करना. इंडिया में शादी कोई बच्चों का खेल है, इंडिया में शादी इज अ लॉन्ग प्रोसेस. इतना तो जॉब का इंटरव्यू में भी टाइम नहीं लगता जितना शादी में टाइम लगता. अगर आप टिपिकल अरेंज मैरिज करेंगे तो आपके भाग के शादी कर लिया तो कोई बात ही नहीं है. डायरेक्ट बाबू का हाथ पकड़े कालीघाट मंदिर पहुंच गए, पूजा की, बस घर वापस आ गए, वो अलग केस है. बट नॉर्मली अगर कोई टिपिकली संस्कृति कल्चर को फॉलो करके अगर शादी करता है तो उसका शादी में नॉर्मली एक से डेढ़ साल का पीरियड लग जाता है, टाइम पीरियड. बस पहला राउंड इंटरव्यू, फिर सेकेंड राउंड इंटरव्यू, थर्ड राउंड इंटरव्यू, बस अब यहाँ पर कोई चीज़. इंडिया में क्या रिसोर्सेज लिमिटेड है तो यहाँ पे एक ही भाई शादी एक ही बार करते. यहाँ पे इंडिया में आप सुनते भी होंगे हम लोग बात बात पे इंडिया में क्या बोलते हैं आदमी कि शादी बार बार थोड़ी होगा, एक ही बार होगा. ये बात अक्सर लोग कह देते हैं, आप किसी भी कास्ट क्रीड रिलीजन से बिलोंग करते हो, बात बात आदमी ये बोल देता है कि शादी तो एक ही बार होगा ना. क्योंकि इंडिया में ये रूल है कि आपका आप मल्टीपल मैरिज नहीं कर सकते एक बार में, बात समझिए ना. और जब तक आपका एक धर्म पत्नी या एक पति जीवित है आप मल्टीपल मैरिज नहीं कर सकते. लेकिन वहाँ पर तो ऐसा नहीं, वहाँ पर ऐसा नहीं है. तो वहाँ पर उन लोगों के पास अनलिमिटेड रिसोर्स, उन लोगों के पास कैसा रिसोर्स है बताइए, अनलिमिटेड. उन लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है. रिसोर्स लिमिटेड होगा तो आपके पास क्या होगा, चॉइस. रिसोर्स लिमिटेड होगा तो आपके पास क्या होगा, चॉइस. और रिसोर्स अनलिमिटेड होगा तो आपके पास चॉइस का दरकार नहीं. अगर पैसा बोझे तो अंबानी, अंबानी को चॉइस नहीं करना पड़ता अपने जिंदगी में, क्या है अंबानी का पैसा है. एक बार बच्चा बोला कि पापा मन कर रहा कि अपना शादी में आलिया भट्ट को बुलाए नाचने के लिए, बुला लो, बुला लो, क्या है बुला लो. बोला ना तो आलिया भट्ट नाचने के लिए वो लोग शादी में आते हैं, वो लोग शादी में तो लोग पता थोड़ी है. आप विश्वास करो, जैसे हम लोग आप लोग क्या शाहरुख खान को देखने के लिए तड़पते हैं, शाहरुख खान शाहरुख खान शाहरुख खान, वो लोग भाव नहीं देते वो लोगों को तो. वो लोग कुछ नहीं, वो लोग के सामने ओपी गोपी है, वो लोग क्या बाबू ओपी गोपी. मतलब अंबानी के सामने ये लोग जितने भी सेलिब्रिटीज है वो लोग ओपी गोपी है पास. हाँ कि वो लोग क्या है रिस्पेक्ट, वो लोग लीडर लोग से डरता है, नेता लोग से डरता है. अंबानी इतना जो रिच लोग हैं ना वो लोग डरते किससे है, लीडर लोग से डरते कि भाई ये लोग से पंगा लेंगे तो ये लोग बड़ा अच्छा खेला कर देगा. बाकी वो लोग कोई हीरो हीरोइन तो लोग के लिए समझ रहे ना, कोई चाय दे रहा, कोई चाउमीन बांट रहा, कोई मिठाई बांट रहा, लोग शादी में देखे ना, आप वीडियो नहीं देखते हो क्या. तो माय डियर स्टूडेंट क्या है ये, यहाँ पर भी वही चीज़ है, रिसोर्सेज उसके पास अनलिमिटेड है. अंबानी जी के पास लिमिटेड अनलिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन खुशी का बात सुनिए, अनलिमिटेड रिसोर्स उसके पास है लेकिन वो भी सोचता है कि कैसे और पैसा कलेक्ट करे. हम लोग आप लोग के हिसाब से लग रहा कि बाप रे अंबानी के पास अनलिमिटेड पैसा है, लेकिन वो भी परेशान है अपने जीवन में क्योंकि उसको लगता है कि मेरे पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड. तो रिसोर्सेज लिमिटेड है सो वी हैव टू मेक द चॉइस, एंड रिसोर्सेज लिमिटेड है सो देर आर दीज प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी. क्या प्रॉब्लम है बाबू, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे और किसके लिए बनाएंगे. क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे और किसके लिए बनाओगे. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस. अच्छा अब आइए. अच्छा एक शब्द है इकोनॉमिक्स में, जब आपको बुक देंगे तो उसमें ऐड कर लीजिएगा, देखिए वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नया सिलेबस है ना, एक दो टॉपिक स्किप भी कर देता है टाइपिंग. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस टू अर्न फ्रॉम नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव. इट इज़ द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस टू अर्न फ्रॉम नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव. देखिए इट इज़ द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस टू अर्न फ्रॉम नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है. जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे, आप मान लीजिए अभी उच्च माध्यमिक पास किए हो. क्या पास किया बाबू, उच्च माध्यमिक नहीं किए पास, उच्च माध्यमिक पास कर लिए ऊपर वाला आशीर्वाद से, उच्च माध्यमिक क्या कर दिए पास कर लिए. अब आप बोलोगे नहीं ये तो मेरा हार्ड वर्क है, बात समझे ना. तो आप उच्च माध्यमिक पास कर लिए, पास करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शन है. क्या ऑप्शन है, ठीक है मार्कशीट निकाल रहे क्या,
मैं मार्कशीट मत निकाली। तो देखिए आपके पास पहला ऑप्शन क्या है, आपके पास पहला ऑप्शन आया कि आप पूड़ी का दुकान खोल सकते हो। उच्च माध्यमिक पास करने के बाद आपके पास पहला ऑप्शन क्या आया, पूड़ी वाला, एचएस पूड़ी वाला, एचएस पूड़ी वाला आप दुकान, नहीं पूड़ी वाला नया कॉन्सेप्ट, तो नया बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई देना, तो आप एक पूड़ी दुकान खोलोगे, एचएस पूड़ी वाला। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास आया कि आप एक छोटा सा जॉब कर सकते थे, पूड़ी बेच के आप 1 लाख कमाओगे साल में, जॉब करके आप 2 लाख कमाओगे। फिर आपके पास आया कि नहीं हम कोचिंग पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, कोचिंग, क्या जी, कोचिंग, कोचिंग पढ़ाएंगे। तो फिर आपको लगा कि इसमें से हम 50,000 रुपये साल में कमाएंगे। देखिए कोचिंग में पैसा नहीं है तो आप गलत सोच रहे हैं। नहीं नहीं देखिए आई यही चीज़ है, देखिए आप वो देख, आप एक मिनट, आप हमको देख रहे हो, आप हमको देख रहे हो ना, आप अपने अपने आसपास में और भी लोगों को तो देखो। वैसे ये आप जॉब का नेचर समझिए, जैसे जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते या जिनका जॉब स्टेबल होता है, ये सब देखिए कोचिंग बिजनेस ये सब क्या है, आपके लक के ऊपर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कोचिंग हो गया, बिजनेस हो गया, कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करो, बिजनेस देखिए एक एरिया में एक आदमी बहुत बिजनेस खोला उसका नहीं चल रहा, और कोई आदमी एक बिजनेस खोला उसका हिट हो गया बिजनेस। तो ये ना आपका, हम लोग का यहीं पे एक दुकान है, 2 दुकान खोला, एक आदमी बिरयानी दुकान खोला और एक आदमी चौमिन दुकान खोला, दोनों नया बिल्डिंग बना, ये हम लोग का जिस आदमी का है उसी का बिल्डिंग है। तो एक आदमी चौमिन दुकान खोला, एक आदमी बिरयानी दुकान खोला, एक ही दिन में दोनों स्टार्ट किया एक ही जगह पे आसपास में। बिरयानी दुकान उतना नहीं चलता है, चौमिन दुकान पूरा हिट हो गया, मतलब बहुत भीड़ आता है। तो ये ना अपना नसीब पे आपका डिपेंड करता है। देखिए आप एफर्ट तो देते ही हो कोई भी चीज़ में, वैसे में ना आप एफर्ट तो देते ही हो, बट एफर्ट के साथ साथ ना आपका लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अक्षय कुमार का नाम सुने हो आप? अक्षय कुमार से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इतना सक्सेसफुल अपना लाइफ में हो, अक्षय कुमार तो अच्छा एक पॉपुलर एक्टर है, ऐसा नहीं कि फ्लॉप एक्टर है, सक्सेसफुल तो ही अपना लाइफ में। तो बोला कि आप इतना सक्सेसफुल अपना लाइफ में हो तो मतलब क्यों, ऐसा क्यों? तो बोला कि देखिए मेहनत तो होता ही है, बट आई बिलीव कि लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उन्होंने कहा, अक्षय कुमार ने कहा, कितना ऑनेस्ट आंसर दिया। देखिए नॉर्मल दूसरा आदमी बोलता, नहीं हम तो खूब मेहनत किए हैं, खून पसीना एक किए है, मेरा तो माथा से खून निकलने लगता था मेहनत करते करते। ऐसा नहीं है, एक लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बहुत बार आप देखोगे कि आप ज़्यादा मेहनत किए, जैसे आप एग्जाम रिजल्ट रिजल्ट अपना देखोगे, देखोगे कोई पेपर में आप बहुत मेहनत किए, देखिए उसमें मार्क्स कम आए, कोई पेपर देखोगे आप उतना मेहनत नहीं किए लेकिन मार्क्स ज़्यादा आ गए, तो वो आपका हो जाता है। एक लक भी एक बहुत बड़ा ना फैक्टर हो जाता है आदमी के लाइफ में। तो बोला कि आप, अक्षय कुमार बहुत अच्छा बोला, बोला कि हम लोग जब डांस वहाँ गाना शूट करते हैं, हम लोग का जो स्टेज डांसर जो बैक डांसर रहता है, हम लोग का जो हम लोग का पीछे डांस करता है, बोला कि उसमें बहुत सारे लड़के लोग ऐसे जो हम लोग से ज़्यादा हैंडसम है। अक्षय कुमार बोला कि जो लोग हम लोग से ज़्यादा हैंडसम भी है और टैलेंटेड भी है, लेकिन क्या है मेरा नसीब है तो हम इतना आगे, तो वो लाइफ में यही होता है। बस ये चीज़ आप याद रखिएगा, आप कोई भी लाइन में जाओगे, कोई भी काम आप करोगे, तो आप देखोगे कि नसीब फैक्टर, लक फैक्टर बहुत बड़ा हो जाता है। आपका लग रहा तो आप आगे बढ़ गए, लग नहीं रहा तो आप कितना भी हाथ पांव पटकिएगा वो आप नहीं बढ़ पाएगा। स्टिल क्या है, रूल ये होता है, ग्राउंड रूल सक्सेस का ये होता है कि आपको अपना एफर्ट देना चाहिए। आप अपना एफर्ट देते रहिए, एफर्ट देते जाइए, बढ़ने का रहेगा तो बढ़ोगे, नहीं बढ़ने का रहेगा तो नहीं बढ़ोगे। आप देखोगे कि बहुत टाइम आपने एफर्ट दिया, बहुत टाइम एफर्ट दिया, आप कुछ गेन नहीं कर पाए। आप खुद सोचिए, अगर मेहनत करने से आदमी सक्सेसफुल हो जाता है, तब तो जो कूली का काम करते हैं उनका काम तो सबसे मेहनत का है, लेकिन वो सब एक लक फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आपका लक में जो रहेगा होगा, लेकिन आपको अपना क्या देना चाहिए, एफर्ट। अब ये सोच के कि लक में होगा तुम सक्सेसफुल रहेंगे, तो अपने आप उठा के कोई लेके जाएगा, बोले चलो तुमको प्रधानमंत्री बना दे, ऐसा नहीं, मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद आपका नसीब में रहेगा तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो अब आइए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कोचिंग पढ़ाया, आप साल भर में कितना रुपया कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, कितना कमा रहे बताइए, 50,000 कमा रहे। उसके बाद फिर आपके पास एक ऑप्शन आया कि पूड़ी बेचे, जॉब करे, कोचिंग पढ़ाए, आप ऑप्शंस बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आपके पास आए, आप उच्च माध्यमिक पास करके सोच रहे कुछ करें, फिर आप सोचे कि क्या करें, हमको समझ नहीं आ रहा, पूड़ी बेचे, जॉब करे, कोचिंग पढ़ाए, या फिर मान लीजिए आप सोचे एक तो दुकान खोल लेते हैं, कपड़ा का दुकान, कपड़ा का दुकान, उसमें मान लीजिए मेरा 3 लाख रुपया साल में कमाएंगे। अब बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास है, जस्ट एन एग्जांपल, ऐसे तो हजारों ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपके पास है, आप कौन सा काम करना पसंद करेंगे बताइए। एक बिजनेसमैन होने के नाते आपके पास ये 4 ऑप्शन है अपना घर परिवार को चलाने के लिए, आप 4ों में से कौन सा काम करना पसंद करेंगे, बोली बोली बोलिए, कुछ तो बोलिए, जिसमें, वेरी गुड, जिसमें ज्यादा पैसा होगा, दिमाग लगाइए। एक बिजनेसमैन का आंसर ये होगा, इमोशनल आंसर मत दीजिए कि नहीं हम तो दुकान खोलेंगे, नहीं हम तो पूड़ी बेचेंगे, नहीं, प्रैक्टिकल आंसर दीजिए, आप क्या करना पसंद करोगे, जिसमें ज्यादा पैसा होगा। एकदम सही, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन भी है ये, देखिए, इट इज द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस टू अर्न फ्रॉम नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सुनो, बड़ा अच्छा बात बोला गया, शिद्दत से सुनिएगा, जब आप बेस्ट को चुनते हो ना तो आप वर्स्ट को छोड़ देते हो, जब आप बेस्ट को चुनते हो तो वर्स्ट को छोड़ देते हो, बात समझे, और जिसको आप छोड़ दिए ना वही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। इकोनॉमिक्स में जिसको आप छोड़ दिए वो कौन सा कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये याद रखिएगा। फिर से बोल रहे, हमने अगर हम कपड़ा दुकान खोल लेंगे तो आई हैव टू लीव ऑल दीज 3 ऑप्शंस,
बिकॉज रिसोर्स लिमिटेड है, चारों काम कर लीजिएगा कि अगर नहीं हम थोड़ा पूरी भी बेच लेंगे, थोड़ा नौकरी भी कर लेंगे, हम पहले जॉब का, हम अपना बता रहे हैं आपको, हम तो पहले जॉब करते थे बात समझे, हम तो सीए का पढ़ाई कर रहे थे तो जॉब करते थे बात समझे ना, फिर जॉब करके कोचिंग पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाता था, मतलब जॉब करके आते थे 7-7 बजे 8 बजे जाता था, फिर ट्यूशन पढ़ाना, फिर फोकस ही नहीं कर पाते, तो फिर दोनों में से हमको एक ऑप्शन चुनना कि आप दोनों में से एक ही काम करना, आप दोनों काम करेंगे तो नहीं होगा, ना तो ठीक से कोचिंग ही पढ़ा पाते ना तो जॉब ही ठीक से कर पा रहे थे, क्योंकि फोकस नहीं हो पा रहा था, जॉब में भी जा रहे थे वहाँ पर डिस्टर्ब हो जा रहे थे, कोचिंग में भी पढ़ रहे थे तो डिस्टर्ब हो जा रहे थे, तो दोनों में से कोई एक चीज़ चुनना पड़ेगा, आप सोचोगे ना दोनों चीज़ कर लेंगे, वो होता नहीं आदमी से, अभी सोचता है कि कर लेंगे, हम भी सोचे थे कि कर दोनों चीज़ मैनेज जाएगा, लेकिन हुआ नहीं भाई, एक कितना 2-4 महीने में छोड़ दिया नौकरी, तो यहाँ पर भी ये चीज़ कि आपको भी आप सब चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप दोनों चीज़ करिएगा कैसे हो पॉसिबल होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है, तो आपने बेस्ट ऑप्शन को चुना, और जिस बेस्ट ऑप्शन को आपने चुना तो बाकी को आपने छोड़ दिया, और जिसको आपने छोड़ दिया उसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिंपल मीनिंग समझिए ना, इट्स अ काइंड ऑफ सेक्रीफाइस, आपने जिसको छोड़ दिया है ना वो कौन सा कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी, पीपल ऑलवेज चूज द बेस्ट, याद रखिएगा, लोग हमेशा बेस्ट को चुनते हैं, वो निब्बा निब्बी लोग जब 8-9 में रहते हैं ना तो बाबू का बाबू में, बाबू एक आदमी दूसरा आदमी का हाथ में हाथ दे के बोलता है कि बाबू हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, जिंदगी भर तुम्हारा साथ रहेंगे, हम मर जाएंगे तो तुम्हारे साथ जिएंगे, तुम्हारे साथ 5-7 साल बाद देखिए, बड़ा अपना शादी कर लिया, बड़ा अपना शादी कर ली, पीपल ऑलवेज गो फॉर द बेस्ट, याद रखिएगा, आदमी वर्स्ट को कभी नहीं चुनता है, लोग आपको तभी तक पसंद करते हैं जब तक उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, याद रखो, लोग आपको तभी तक पसंद रखते हैं जब तक उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, वंस दे गेट द बेटर ऑप्शन द बेस्ट ऑप्शन दे लीव यू एंड दे लीव यू दैट इज यू आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप उनके जिंदगी का क्या थे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो आपको जिंदगी में किसकी तरह समझा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह छोड़ दिया आपको, आप सोचो ना हर आदमी, आप लोग किस स्टेज में, हर आदमी, हर लड़का लड़की को ही बोलता है, लड़की लड़का को ही बोलता है कि नहीं बाबू चलन जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, मरेंगे तुम्हारे लिए, जिएंगे तुम्हारे लिए, ठीक देखिए 2 साल बाद बेटा अपना शादी कर ले, बेटा अपना शादी कर ली, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, Nobody will choose 6-pack over 6-digit. देखिए आदमी हमेशा 6-digit को पसंद करता है, 6-pack को नहीं, समझ रहे हो ना, ये आप हमेशा याद रखना जिंदगी में, बहुत बड़े हो गए हो तो समझाना आपके लिए जरूरी, आदमी कभी भी 6-pack को पसंद नहीं करता, 6-digit पैसा, आदमी देखने में मोटा रहे पतला रहे दुबला रहे मैटर नहीं करता, पैसा रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, वो पैसे पॉकेट में मनी है तो जिंदगी में हनी, बात समझे ना, और नहीं तो फिर सब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सब कुछ छोड़ते जाओ, बात समझ रहे ना, पीपल ऑलवेज चूज, आप भी चुनोगे, आप किसी से कितना भी प्यार करते रहोगे ना, आपको सामने नजर आएगा भाई इसका पास तो 5 लाख रुपया महीना है इसका, मम्मी आगे एक तो लड़का का हिस्सा लेके आई, बोले इसका महीना 5 लाख रुपया इसका महीना है, गाड़ी है घर है, फिर आप बोलेगा भाई हटा छोड़ो, फिर बोले बाबू मेरा मम्मी नहीं मान रही, बस बात खत्म हो गया, बोल के अपना सबसे अच्छा सिग्नेचर लाइन है बाबू मेरा मम्मी नहीं मान रही, फिर लड़का बोले तुम तो बोले थे मम्मी से बात कर ले, बोले बात की बट मम्मी बोले तुम लड़का से बात करो तुम जहर खा के मर जाएंगे, बात खत्म हो गया सिंपल, बस लड़का बोले ठीक है मम्मी नहीं बोले तो क्या बोले, देखिए समझ रहे ना, स्केर्सिटी रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, और जिसको आप छोड़ देते हैं वो कौन सा रिसोर्स है बताइए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कौन है वो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो ये इकोनॉमिक्स बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसको आपको फील करना होगा, इकोनॉमिक्स ही ये सब सिखाता है कि आपको इंसान हमेशा बेस्ट को चुनता है और वर्स्ट को छोड़ देता है, जिसको आप छोड़ देते हो वो कौन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप लोग ये भी नहीं देखते हो क्या, देखो जैसे आप लोग कभी कभी कुछ कुछ बच्चे लोग क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई किसी का कोई पहले से पुरुष मित्र था, फिर आप उसको मित्र बनाए, फिर आप उसको उसका पुरुष मित्र बनना चाहते हैं, तो मान लीजिए एक लड़की क्या की अपना पुराना पुरुष मित्र को छोड़ के आपसे दोस्ती कर ली, तो आप क्या सोचते हैं, बाबा पुराना पुरुष मित्र को छोड़ दी, हम बहुत हैंडसम है, हम बहुत अच्छे हैं, बाद में आपको भी छोड़ दी, कहे यू आर जस्ट इन ऑप्शन, यू आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आज वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बना है, कल आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेंगे, इसीलिए सावधान रहे और सतर्क रहे, आ जाओ पूरा इकोनॉमिक्स तो गहराई में डुबा दे रहा, चलो आ जाओ, चलिए आइए, अब ये इस चैप्टर का लास्ट और बहुत ही बॉम्बेस्टिक टॉपिक है, पीपीसी, क्या बाबू, पीपीसी का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, क्या बाबू, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बोलता है बताए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहता है द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट यू कैन प्रोड्यूस विद अ लिमिटेड रिसोर्स, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मेरे पास 10 रुपया है, हमको चॉकलेट भी पसंद है, हमको आइसक्रीम भी पसंद है, अगर हम 3 रुपया का चॉकलेट लेंगे तो आइसक्रीम कितना का लेंगे, 7, 4 रुपया का चॉकलेट लेंगे तो आइसक्रीम कितना का लेंगे, 6, 5 का चॉकलेट लेंगे तो आइसक्रीम कितना का लेंगे, 5, और 7 का चॉकलेट लेंगे तो आइसक्रीम कितना का लेंगे, 3, तो देखिए हम क्या हो रहा है, जब हम चॉकलेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आइसक्रीम कितना का लेना पड़ रहा, कम, चॉकलेट ज़्यादा यूज़ करें तो आइसक्रीम क्या यूज़ करना पड़ा, कम, और आइसक्रीम ज़्यादा यूज़ करें तो चॉकलेट क्या यूज़ करना पड़ा, कम, इसका मतलब क्या हो गया, रिसोर्स लिमिटेड होता है, और आपको उसी के अंदर चुनना है, जो भी करना है आपको उसी के अंदर करना है, मेरे पास 10 रुपया ही, अब 10 रुपया हमको चॉकलेट लेना है, आइसक्रीम लेना है, जो भी लेना है हम 10 रुपया के अंदर ही लेना है,
तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, 3 रुपये का ये, 7 रुपये का ये, 4 रुपये का ये, 6 रुपये का ये, 5 रुपये का ये, 5 रुपये का ये, 7 रुपये का ये, तो 3 रुपये का ये। तो ये जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है ना, इसी को जब हम लोग डायग्राम में शो करते हैं, इसको बोलते हैं PPC। क्या बोलते हैं बाबू? PPC। थोड़ा इंग्लिश में अगर बोलेंगे, PPC इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट वी कैन बाय विद द लिमिटेड रिसोर्स। हम लोग के पास जो रिसोर्स है, उस रिसोर्स से हम लोग क्या क्या खरीद सकते हैं और किस किस कॉम्बिनेशन में खरीद सकते हैं, उसको जिस डायग्राम में शो करेंगे, उस डायग्राम को क्या बोलते हैं बाबू? PPC। क्या बाबू? PPC। फिर से सुनिए, 10, देखो आपके पास जो रुपया है उसी में ना आप खरीदोगे, तो जितना आपके पास रिसोर्स है उसमें आप क्या क्या खरीद सकते हो और किस किस कॉम्बिनेशन में खरीद सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? PPC। बोलो ना, PPC। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इट इज अ ग्राफिकल मॉडल दैट रिप्रेजेंट ऑल डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद अ PPC बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स तो कम है, अब उसमें क्या क्या खरीद सकते हो, किस किस कॉम्बिनेशन में खरीद सकते हो। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ विजुअलाइजेशन दैट डेमोन्स्ट्रेट द मोस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ पेयर। ये बताता है, ये डायग्राम में बताता है अलग अलग पेयर कि किस किस कॉम्बिनेशन में हम लोग खरीद सकते हैं। उसका देखिए, इच पॉइंट ऑफ द कर्व शोज हाउ मच ऑफ इच गुड्स विल प्रोड्यूस व्हेन रिसोर्स शिफ्ट टू मेकिंग मोर वन ऑफ द गुड्स लेस ऑफ अदर। अभी जो आपको चॉकलेट आइसक्रीम का एग्जांपल दिया, उसमें क्या बताए? चॉकलेट ज्यादा यूज करेंगे तो आइसक्रीम कम, और आइसक्रीम ज्यादा यूज करेंगे तो चॉकलेट कम। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। और इस चीज को ग्राफ में शो करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? PPC। यही है PPC का डायग्राम। देखिए, कुछ नहीं डायग्राम में, ऐसा कुछ समझाने लायक नहीं है, बट आपको एक बार बता देते हैं। देखिए, दो लाइन है ना जी, ये दो लाइन है। ये क्या हो गया बताइए? दो, एक प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया, मान लीजिए कॉटन और वीट। सपोज हम दो चीज बनाते हैं, कॉटन और एक क्या बाबू? वीट। तो उसका डायग्राम को शो किया गया, ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, यही है PPC। ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं बाबू? PPC। और ये कौन सा शेप हो गया, कोई बता पाओगे मैथ्स के हिसाब से? इस शेप को क्या बोलेंगे? नहीं, पाइपर बोला, कहाँ चलेगा? क्या बोली? एक्सीलेंट यार सनी, इसको बोलते हैं कॉनकेव। इसको बोलते हैं मैथ्स में क्या बोलते हैं बाबू? कॉनकेव। अच्छा, उसके बाद देखिए ना, अच्छा इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो भी है ना, ABC जो भी पॉइंट है, इसका मतलब ये बेस्ट प्रोडक्शन है, इससे आप आगे नहीं जा सकते। और इससे ये जो लाइन है ना PPC का, ये जो लाइन बनाए हम लोग, ये PPC का जो लाइन है, ये राइट में कब शिफ्ट करता है? तो ये राइट में तभी शिफ्ट करता है ना जब रिसोर्सेज हम लोग ज़्यादा यूज, मतलब रिसोर्सेज बढ़ जाता है या फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज होने से ये राइट में शिफ्ट करता है। कहाँ शिफ्ट करता है बाबू? राइट। याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी जब चेंज होगा तो ये कहाँ शिफ्ट करेगा बताइए? राइट में। तो ये जो राइट में शिफ्ट देख रहे ना, वो क्यों आपसे पूछेगा व्हाई PPC शिफ्ट? तो PPC शिफ्ट बिकॉज ऑफ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होता है तो हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होता है ना, तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे बात समझिए, रिसोर्स बढ़ेगा तभी ना प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो रिसोर्स बढ़ता, बहुत बार क्या होता है, रिसोर्स नहीं बढ़ता है फिर भी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी नया है। बात समझिए, अच्छा टेक्नोलॉजी होने से कम रिसोर्सेज में भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। तो ये आपसे पूछेगा PPC शिफ्ट कब करता है? तो PPC शिफ्ट तब करता है जब तेरा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजिकल क्या बाबू? चेंजेस। लेकिन यहाँ पे लिखा होगा शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आर कॉज बाई थिंग्स दैट चेंज इन द आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। रिसोर्स में चेंज हो गया, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए, लेबर ज़्यादा चेंज हो गया। व्हेन द कर्व शिफ्ट्स इनवर्ड दैट मीन आउटपुट इज डिक्रीजिंग। देखिए, अगर ये राइट में शिफ्ट किया इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा, और ये लेफ्ट में शिफ्ट किया इसका मतलब प्रोडक्शन घट रहा। क्लियर है गाइस? तो हम आपसे पूछते, बताइए PPC का फुल फॉर्म क्या है? बताइए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये क्या शो करता है? इट शोज द ग्राफिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज विच कैन बी प्रोड्यूस विद द लिमिटेड रिसोर्स। ठीक है बाबू? और ये क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि रिसोर्स क्या है? लिमिटेड। आइए, ये तो उसी दिन पढ़ाई थी जब आपको बोले थे, अगला दिन नोट्स में लिखा रहेगा। देखिए ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू, ये आपको लास्ट डे ज्यादा ही हम सिखा के चले गए थे। ठीक है गाइस, थैंक यू। चैप्टर खत्म हो गया, अब इसका क्या होगा? टेस्ट। एक चैप्टर अभी टेस्ट ले ले या एक चैप्टर और रहने दे? बोलिए, एक चैप्टर और रहने दे। ठीक है ना, क्योंकि टेस्ट लेने से भी टाइम भी तो लैप्स होता है ना। एक बैच में टेस्ट लेंगे तो एक बैच क्लास तो मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो एक क्लास और रहने दीजिए, एक चैप्टर और रहने दीजिए, फिर टेस्ट दीजिएगा 2-3 चैप्टर, तब तक कॉलेज का फॉर्म भी भर दें। ठीक है, थैंक यू। पेज बाबू इसका 3-4 पेज का है अभी तो पूरा रेडी नहीं हुआ, हम भेज दे रहे, ये वाला PDF भेज दे रहे। हाँ,